देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जे वाकई खून कैले बा, जे कातिल बा, गुनेगार बा, जेल के सलाखन के पीछे बंद होई। कल करण रिहा होके आपन घर वापस आ जाए। कृतिका पुत्र, तू प्रीता के देखलो? ओ तोरे साथे जी, हम तो आपके साथ आयल बानी ना, हम तो ना देखनी भाभी के पता ना कहां बड़ी। अक्सर हमनी के झगड़ा होत रहेला, एकर मतलब ये नहीं कि आप ही सोची कि हम ओकरा पकड़ ले बानी। हम पुलिस के फोन करके उनके उनके यहाँ बुले ले बानी। तू ना कैला तो शर्लिन कैले होखी। वो जानत रहले कि उनकर पत्नी निर्दोष बिया, लेकिन सबूत ना होखला के कारण वो उनके बेगुनाह साबित ना कर पाइले अदालत में। करण लूथरा के पास अगर सबूत होखत तो का वो दिन वो अदालत में वो सबूत पेश करके अपन पत्नी के बचा ना लेते? योर ऑनर, करण लूथरा जानत रहले कि उनकर पत्नी बेगुनाह बाड़ी, यही खातिर वो खून के इल्जाम अपने सर पर ले ले जो उनकी उनकर पत्नी कैले ही न रहली। लेकिन योर ऑनर, आज हम ये अदालत में साबित कर दे हब कि अक्षय के खून ना तो मिसेस प्रीता लूथरा कैले बाड़ी और ना ही करण लूथरा, बल्कि खूनी केहू और बा। मिस्टर बख्शी, आप अभी कहने के असली खूनी के बा आप कोर्ट में साबित कर दे, तो कोर्ट के टाइम वेस्ट मत करी एंड प्रूव इट। योर ऑनर, हम मिसेस प्रीता लूथरा के विटनेस बॉक्स में बुलावे की इजाजत चाहता नहीं। इजाजत बा। मेघा के अपना खिलाफ जाए से रुकनी, सो दैट वो पूरा फैमिली की इना बताए कि हमारा और पृथ्वी की रिश्ता बा, लेकिन बाकी सबके कैसे रोकी प्रीता पे विश्वास करे से। कहे कि ई बात तय बा, प्रीता विटनेस बॉक्स में जाके ई साबित करे के कोशिश करी कि अक्षय के खून हम कहीं नहीं हा। हम जौन भी कहब सच कहब, सच के सिवा कुछ ना कहब। हाँ तो मिसेस प्रीता लूथरा, आप अदालत से का कहल चाहता नहीं? योर ऑनर, पहले ही बात तो हम ही कहे चाहता नहीं कि हमार पति करण लूथरा एकदम निर्दोष बाड़े। और दूसर बात ही कि अक्षय के असली कातिल शर्लिन बाड़ी। प्रीता, ये का बोल बड़ू? का बोल रहल बड़ू तू? हो का गैल बा तारा के? पहले तू कहलू कि अक्षय के मर्डर तू कहले बड़ू, अब कह रहल बड़ू कि अक्षय के मर्डर शर्लिन कहले भैया। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग प्लीज ये तरह से बीच में मत बोली, वरना मजबूरन आप सभी के कोर्ट से बाहर कर दिया जाए। मिसेस प्रीता लूथरा, आप कैसे कह सकत नहीं कि अक्षय के कातिल शर्लिन ही बड़ी? जज साहब, हमार हस्बैंड हमारे इल्जाम अपन सर पे ऐसे ले 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 रहले काहे कि वो जानत रहले कि खून हम ना कैले बानी, और वही तरह हम भी अच्छा से जानत आनी कि ई खून हमार पति करण लूथरा ना कैले बाड़े। हमरा के हमने के देश के कानून पे पूरा भरोसा बा, हम ही जानत आनी कि आप कबो भी एगो निर्दोष के सजा ना देहब और आप असली कातिल के खुद ढूंढ ही लेहब। लेकिन फिर भी हम अपना आप के ना रोक पैनी और हम अपन बहन और अपन देवर समीर के साथ मिलके इस केस के बारे में छानबीन करे के कोशिश करनी, और पूरा छानबीन करे के बाद हमरा ई पता चलन कि अक्षय के कातिल के हो और ना शर्लिन लूथरा ही बाड़ी। प्रीता तू झूठ काहे बोल रहल बाड़ू? जो साहब ही झूठ बोल रहल बिया। प्रीता हमरा पे ऐसे इल्जाम लगा रहल बिया काहे कि हमरा से नफरत करतिया। ना सर, हम इल्जाम ऐसे ना लगेनी कि हमरा ओकरा से कोनो पर्सनल एनिमिटी बा। ई बात हम ऐसे कह रहल बानी काहे कि जौन दिन शर्लिन अक्षय के खून करके वो होटल से निकलत रहली, वो दिन वो होटल के वेटर रोहित शर्लिन के वहां से निकलत देख ले ले रहे। आप प्लीज अपना जगह पर बैठ जाएंगे।
मिसेस प्रीता लूथरा, कानून आपके बात ना मानी, कानून के ठोस सबूत चाहिए। हम जानतानी, और सबूत ए वक्त ही कोर्ट में मौजूद बा। उ वेटर रोहित जेकरा से शॉलिन टकरायल रहली अक्षय के खून करे के बाद, उ ए वक्त ई कोर्ट में गवाही देवे खातिर रेडी बा। माय लॉर्ड, हमार अगला गवाह बा वो होटल के वेटर रोहित, जेके हम विटनेस बॉक्स में बुलावे के इजाजत चाहता नहीं। इजाजत बा। हाँ, हम कब से ओलो के ढूंढा था नहीं, हमरा लगा था कि हमरा ओलो के सब बता देवे के चाहिए। एक्सक्यूज मी, हाय, आपसे कुछ बात करे के रहे, अक्षय के मर्डर के बारे में। आप जॉन कुछ भी जाने नहीं का, आप हमने के बता सके नहीं, प्लीज जॉन भी इन्फॉर्मेशन आपके पास बा। आप तो पहले भी हमरा के वो फोटो दिखावत रहनी ना, वो लड़की के एकरा बारे में पूछत रहनी। हाँ, बाकी जब अक्षय के खून भइल वो दिन आप ही ड्यूटी पर रहनी ना, आप सब लोगन के देखले बानी, शायद आप कातिल के भी देखले होके। आप ही लड़की के देखले बानी ना। का आप ये बात कोर्ट में बोल सके नी? ना ना मैम, हम कोर्ट कचहरी के झमेला में नहीं पड़े के चाहत। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके एक गवाही एक मासूम के बचा सके ली। अगर आप सच बोल दे हब ता हमार निर्दोष पति जे वक्त जेल में वो गुना के सजा काटा तड़े जो केले भी नहीं बाहर आ जाई है, आपके वजह से हमार बहुत हेल्प हो जाई। प्लीज आप कोर्ट में ये बात कह दी कि आप ये लड़की के देख ले बानी, आप कातिल के जाना तानी, हमरा पता बा आप जाना तानी, सृष्टि बोलो ना। प्लीज आप हमने के मदद कर दी केहू की जिंदगी के सवाल भैया। ठीक बा मैम, हम आयम और गवाही भी दे दे। थैंक यू सो मच। हम जॉन भी कहब सच कहब, सच के सिवा कुछ भी ना कहब। हाँ तो मिस्टर रोहित, का आप शर्लिन लूथरा के जाने ली? जी वकील साहब, हम जाना था नहीं। अक्षय के खून से पहले हम इंकरा के होटल में दो तीन बार दिख ले रहने। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, होटल में तो बहुत सारा लोग आवे जावेला, एकर ई तो मतलब ना भेल कि होटल में आवे वाला हर शख्स खूनी बा। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ तो का कहत रहला, प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, वो रात हम शर्लिन मैम के देखले रहने जोना रात के अक्षय के खून बहल रहे। हमार ड्यूटी तोने फ्लोर पे रहे, जोना फ्लोर पे अक्षय के होटल रूम रहे, और हम साफ सफाई करके बस जाते रहनी कि हम शर्लिन मैम के सामने से आवत देखनी, और बहुत जल्दी में रहली, बहुत घबराइल रहली और बहुत डरल रहली, और डर के मारे वो हमरा से टकरा गई। मैम सिर्फ गिरल बानी, हम तक मरे के बाद काहे करत नहीं, हम ठीक बानी। सॉरी भैया, गलती से निकल गए। अच्छा आप कौन कमरा में जा रहल बानी? रूम नंबर 701। अच्छा ठीक बा, जाई। हम तो बस कंफर्म करत रहनी कहीं अक्षय के कमरा में तो ना जात रहे। जज साहब, हम ही आदमी की जानत भी ना बानी तो टकरावल तो दूर के बात बा। ऑर्डर ऑर्डर, आप प्लीज कोर्ट के शांति बनावल रखें।
आपके पूरा मौका दिया जाए ताकि आप विटनेस बॉक्स में जॉन भी चाहिए आके बोल सके। जज साहब, हमरा कहे के मतलब ई नहीं खे कि ई मैम हमरा से टकरेली तक खून ये कैले बड़ी, लेकिन ओ दिन जॉन इनकर बर्ताव रहे ये बहुत घबराएल रहली, बहुत डरल रहली, बहुत परेशान रहली, और ये हमरा से सॉरी भी बोलली। अगर केहू केहू से सॉरी बोलत बा तो काव के खूनी करार दिहल जाए। हमार कहे के मतलब ई बा कि ओ दिन बहुत घबराएल रहली, बहुत डरल रहली, और ये हमरा से एक और बात कहली कि तू भी अब ओकरा जैसन मर मत जइहा। हम तो सिर्फ गिरल रहनी, मरे के बाद कहां से आ गई। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसन कि सरिन लूथरा इवेटर से कहली कि गिर के मर मत जइहा, तो योर ऑनर, अक्षय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमनी सबके ई पता चलल कि अक्षय के मौत ओकर सर पर पिछला हिस्सा में लगल चोट से भइल रहल, जैसे ओकरा केहू गिरा देले रहल और ओकर सर बहुत जोर से जमीन पर जाके टकराइल रहल। अरे कहने ना जाके पैसा लेके आवा जा, अक्षय प्लीज, हम बिना पैसा के तो ना दे। कहानी अच्छा बा हमके फसाए खातिर, लेकिन जज साहब, अगर ई आदमी इतना सारा चीज जानत बा ई केस के बारे में, तो पहले कहे ना आयल, एकरा पता होके की चाहिए ना कि ई केस के हियरिंग पहले भी हो चुकल बा। बात साफ बा, एकरा कुछ भी ना पता, एकरा ई कहानी बनाए खातिर केहू पैसा देलस, और केहू और ना, प्रीता भी आऊ। कहे कि प्रीता डेस्पेरेटली चाहती है कि करण जेल से बाहर निकल जाए। हमने भी चाहता नहीं कि करण जेल से बाहर निकल जाए, लेकिन एकर ई मतलब नहीं कि प्रीता तू हमरा फंसा दा, हमरा पे इल्जाम लगा दा। ओ कम ऑन शर्लिन, अपन बात से कोर्ट के गुमराह मत करा। पहले बाहर काहे ना आयल, काहे की खूनी के देख ले रहे, डर गए रहे और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े चाहत रहे। जज साहब, ई तो अपन जॉब तक छोड़ के गाँव जाए वाला रहे। अच्छा, और तू पैसा दे के एकरा गांव के बजाय यहाँ कोर्ट में बुला ले लू, सो दैट ई हमरे खिलाफ झूठा गवाही दे सके। प्रीता, तू हमके पहला दिन से पसंद ना करत बाड़ू, स्पेशली तब से जब से हमार शादी ऋषभ जी से तय भइल बा। तू तो चाहत रहलू कि घर वाला हमके घर से निकाल दे, लेकिन जब केहू हमरा घर से ना निकलला, सो तू आज ई खून के इल्जाम हमरा पे लगा देलू। प्रीता, कुछ ज्यादा ही कर देलू तू आज। ज्यादा की बात करत आड़ू तू, ज्यादा की बात करत आड़ू, ज्यादा बताई। अगर हम ज्यादा बोले पाए नहीं ना, तो तोहार पास्ट के सारा कच्चा चीठा सामने आ जाई है। लेकिन कुछ ना कहब हम, काहे कि आज ही कोर्ट में अक्षय के खून के हियरिंग हो रहल बा, और हम तोहार पर्सनल लाइफ के घटिया हरकत और अक्षय के खून के मिक्स ना करे चाहता नहीं। का बोल, समझ लो तू। का बोलबू तू, बोला बता, बताई फिर हाँ, तू का करत आयल बाड़ू आज तक, का बोलबू तू। ऑर्डर ऑर्डर, अगर आप लोग यही तरह से झगड़ा करत रहब, तो कंडेम ऑफ कोर्ट के इल्जाम में आप लोगों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मिसेस प्रीता लूथरा, आपके जॉन में कहे के बा विटनेस बॉक्स में आके कहें। जाई। शर्लिन, तू बिल्कुल टेंशन मत ला, हमके तारा पे पूरा विश्वास बा, हम बनी ना तारे साथ। हमके अभी सिर्फ अपन पड़ल बा, अगर आज अपना आप के हम बेगुनाह साबित ना कईनी, तो हमके उम्र कैद हो जाए और हम ऐसा ना होके दे सके नी। जज साहब, हम आपके ये सारा बात शुरू से समझावता नी। शरीन अक्षय से सिर्फ वही दिन ना मिली जौन दिन वो अक्षय के खून कैली, वो अक्षय से पहले से मिलत रहली। इनफैक्ट 2-3 दिन जाके ओकरा से मिली, वही कमरा में, वही होटल में, और ओकर सीसीटीवी फुटेज हम ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुकल बानी, आप प्लीज देखी। बस जौन दिन अक्षय के खून भइल, ओ दिन जे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज रहे, वो हमेशा के तरह गायब कर दी हल गइल, हमार मतलब डिलीट कर दी हल गइल।
जैसन की अक्सर ऐसा हादसा में होखेला की जे गुनेगार होखेला हो जाके अपन गुनाह के फुटेज डिलीट कर दे बेला। वही तरह रात के फुटेज डिलीट हो गयी, लेकिन बाकी दिन के फुटेज यहाँ पे हम सबमिट के लिए बानी। माय लॉर्ड, ये सीसीटीवी फुटेज बा जे में साफ साफ पता चल रहा बा कि शर्लिन लूथरा अक्षय के मौत से पहले ओकर उहे होटल रूम में गई रही। जज साहब, तनी आप ही सोची ऐसा कौन सा वजह रहल जेकरे कारण शर्लिन लूथरा रोज अक्षय से मिलत रहली। वो अक्षय के खून होए से पहले भी मिलल रहली और अक्षय के खून होकला के बाद भी वो ये बात अदालत से और अपने घर वालन से दोनों से छुपा के रख ले रहली। सो जज साहब, जैसे कि हमार अपोजिशन लॉयर संजीव बत्रा जी ये कहले कि ये ओपन एंड शट केस बा, तो हम कहता नहीं बिल्कुल भी ना। शर्लिन लूथरा के मौजूदगी बहुत गहराई तक बा, एक ऐसा राज जो ना कोई खुले बा ना केहू से खुलल बा। योर ऑनर, अभी तक ही अदालत में जितना भी गवाह और सबूत पेश कइल गइल बा वो सही साफ पता चलता कि शर्लिन लूथरा ही अक्षय के खून कइले बाड़ी। यही खातिर हमार अदालत से गुजारिश बा कि शर्लिन लूथरा के फौरन हिरासत में लिहल जाए और ओकरा पर सख्त से सख्त कार्रवाई कइल जाए। और हमार क्लाइंट करण लूथरा जो उनकी बेगुनाह बाड़े उनके ही केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिसेस प्रीता लूथरा, आपके कुछ और भी कहे कबा? योर ऑनर, एक कोर्ट में अब सबूत के तौर पर पेश करे खातिर हमरा पास और कुछ नहीं खे। लेकिन हमें को रिक्वेस्ट करे चाहता नहीं कि आप प्लीज ये केस के सुनवाई और ये केस के फैसला आज के आज ही कर दी। कहे कि जितना ही केस डिले हुई उतना ही गुनहगार के मौका मिली कि वो अपन गुनाह छुपा सके और अपना आप के छुपा सके, और उतना ही देर हमार निर्दोष पति के सलाखन के पीछे काटे के पड़ी। और ऐसा भी हो सकेला कि अगला तारीख से पहले ना ही कोनो सच का तेर लड़े वाला रह जाए और ना ही कोनो सच्चाई बतावे वाला रही। ऐसे हम आपसे रिक्वेस्ट करता नहीं कि केस के फैसला आज ही सुनाई और हमारे निर्दोष पति के रिहा करवा दी। वो बिल्कुल बेगुनाह पाड़े, वो इल्जाम अपन सर पे सिर्फ अपन पत्नी के बचावे का तेर ले ले। हमारे निर्दोष पति के हमरा के लौटा दी, उनकर परिवार के उनकर बेटा लौटा दी। आप अपन जगह पर जाकर बैठ जाएं। मिसेस प्रीता लूथरा के दिहल सबूत आज ये केस पर नया रोशनी डाल लेबा, नया जानकारी दे लेबा। ये अदालत पुलिस के हुक्म देता कि प्रीता लूथरा के दिहल जानकारी के पुलिस रिकन्फर्म करो। आज ये कोर्ट कोनो तारीख ना दी बल्कि असली खूनी के सजा दी। The court is adjourned for the break. प्रीता अरोड़ा अपने आपके समझत का भिया, उकर हिम्मत कैसे भय शर्लिन पे इल्जाम लगा देली कि अक्षय के मर्डर शर्लिन कहले भिया। आप एकरा बारे में कुछ जानत रहनी का? ना करी ना दी, हम कुछ ना जानत रहनी, लेकिन हमार दिल कहला प्रीता अगर इल्जाम शर्लिन पे लगाइले बाड़ी तो उकरे पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी। आप ना कुछ भी बोलत रहनी, आप एक मिनट
पक्का लगा रख ले बड़ू तू, तहार हिम्मत कैसे भइल अक्षय के मर्डर के इल्जाम लगा देलू ओकरा पे। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। देखा प्रीता अरोड़ा, हम जानत आनी तू शर्लिन के पसंद ना करत बड़ू, ओकरा अपन दुश्मन समझत बड़ू। आई कैन अंडरस्टैंड देवरानी जेठानी में छोट मोट लड़ाई होखत रहेला, लेकिन ई बहुत ही घटिया तरीका बा दुश्मनी निकाले के। करीना बुआ, हम जौन कुछ भी कहनी वो कोनो लड़ाई या दुश्मनी के वजह से ना कहनी, लेकिन शर्लिन वाकई ई फैमिली के सदस्य होके दुश्मन वाला काम करत आड़ी। अगर आज करण जेल में बा त शर्लिन के वजह से ही। करण जेल में तहरे वजह से बा। करीना दी प्लीज शांत हो जाइए, आप का बोले भाभी प्लीज। ई जे हम प्रीता से बोल रहल बानी ना, ई आपके बोले के चाहत रहे ओकरा से। याद बना आपके, ऋषभ आपके बेटा बा और शर्लिन, शर्लिन आपके बहू भी आ। ई शर्लिन पे इल्जाम लगाईले बिया, लेकिन आप तक कबो एकरा से कुछ ना कहिए ना, हमेशा सपोर्ट करिए एकर। यही से हम एकरा सुना रहल बानी आपके वजह से। हमके ना तहरा पे विश्वास होके लागल रहे, हमके लागत रहे तू शायद इतना बुरा ना बाड़ू जितना बुरा हम तहरा समझत रहनी, लेकिन ई हरकत करके तू हमार विश्वास के फिर से तोड़ देलू। गलती हमार बा, क्या की तू तो कबो गलत हो ही ना सकेलू ना। तू प्रीता अरोड़ा बाड़ू द परफेक्ट एंड आइडियल बहू, जे कबो कुछ गलत कर ही ना सकेली। लेकिन ई जे तू कैले बाड़ू ना, बहुत गलत कैले बाड़ू प्रीता। तुके कम से कम इतना सोचे के चाहत रहे कि शर्लिन प्रेग्नेंट बिया, वो हमनी के फैमिली के बहू बिया, पर ना तुके सिर्फ अपना बारे में सोचे के बा, कहे कि तू सेल्फिश बाड़ू। करीना दी हमार बात तो सुनी। प्रीता उत्तर करीना दी, मुझे अभी भी जे कुछ भी कहनी ओकर बुरा मत मानिया। बात यह कि ती शर्लिन के बहुत ज्यादा पसंद करेनी और ई जे इल्जाम तू लगैलू है शर्लिन पे, वो बहुत नाराज हो गई नी। खैर हम जाने नी, तू शर्लिन पे इल्जाम जानबूझ के तना लगैले बाड़, जरूर एकरे पीछे कोई ना कोई वजह तो हा जे शायद हमने के ना पता। लेकिन प्रीता एगो बात कही, तू जे कुछ भी कह लो शर्लिन के बारे में कोर्ट में, अगर वो बात सच साबित हो गए तब तई परिवार के, हम के, हमने सब के बहुत बड़ धक्का लगी। कहे कि शर्लिन तई परिवार के बड़ बहु बाड़ी ना, और जरा सोचा ई परिवार के कोई सदस्य ई घर के बेटा के जेल भेजवा दे, वो भी खून के इल्जाम में। समझ में ना आ रहा आगे का होके। हम तो यही सोच सोच के काप रहल बानी की जब ऋषभ के पता चली कि यहाँ पे कासा बो रहा था, का बीती ओकरा पे, वो तो पिता बने वाला। शर्लिन, शर्लिन प्रेग्नेंट बड़ी और ये सब कुछ। राखी माँ, हम आई नहीं। राखी माँ, हम जानत आनी राखी माँ, चाहे केकरा पर भी इल्जाम लगे, केकरो साथ बुरा हो के, सबसे बुरा आप ही के लागी। काहे कि आपके दिल एको माँ के दिल बा, और माँ के कोनो भी बच्चा के साथ बुरा हो के था सबसे ज्यादा दिल माँ के ही टूटेला। आई विश गुनहगार के आगे लावे खातिर हमरा पास कोनो और चारा रहत, कोनो और रास्ता हो रहत, तो हम वह अपने ही थी। लेकिन ये वक्त ना हमरा पास समय बा, ना ही कोनो ऑप्शन। जे सच बा ओकरा तो हमरा सामने लावे के ही होई। बाहर ऐसी काहे ले लू हमके। मायरा देखा, तू हमार दोस्त बाड़ू ना, प्लीज हमार मदद कर, हमके इन झमेला से निकाल प्लीज। का करिया, हम तो हर मदद कर ही ना सके। शर्लिन तो हर ब्लेम अपन सर पे तो ना ले सके ना, ई कोर्ट हा, हम तो हर कोई मदद ना कर सके। I'm sorry. मायरा, मायरा प्लीज यार हमरा पे तरस खा, हमार हेल्प तो कर दे। का करी बतावा, हम तारा से कुछ मंगवाए चाहता नहीं। शर्लिन का मंगवावे चाहेलू, अभी तू कुछ भी मंगवा ले बुना तो ना बच सकेलू। प्रीता के पास तोरे खिलाफ सबूत अभी देख ले रहलू ना। I'm sorry, हम तोहर मदद ना कर सकेलू। मायरा का भइल,
तरह का लागल रहे कि हर बार के तरह आज भी तू हमरा बेवकूफ बनेबो और हम बन जाए। हजारों बार तू हमरा साथ खेल खेल चुकल बाड़ू, हमरा झूठा साबित कर चुकल बाड़ू, हमरा फसावे की कोशिश कर चुकल बाड़ू, हमरा पे झूठा इल्जाम लगा चुकल बाड़ू और हर बार हम फंस जाता नहीं, लेकिन आज ना, कहे कि आज बात हमार सुहाग के बा और हम केहू के भी ओकरा गलत साबित ना करे देहा। तहरा का लगा था प्रीता तू हमरा के फंसा के महान बन जाएबू, तहरा लगा था कि तू हमरा के फंसाबी और करण के बचा लेबू, तब बहुत गलत सोचत बड़ तू। तू चाहे हमरा पे हजार इल्जाम लगा ला, हम फंसे वाला ना बनी। और एक चीज के गारंटी देता नहीं, हम तहरा से हार ना माने वाला बनी। ये तो तू गलत बाड़ू शर्लिन, बात हार जीत के बाही ना, दुश्मनी या झगड़ा के बाही ना, बात एको बेगुनाह और एको गुनहगार के बा। और हमार पति बेगुनाह पड़े और तू गुनहगार, खून तू कैले बाड़ू तो सजा भी तू ही भुगतबू। एक्सक्यूज मी, चाहे तू कितना बार भी चिल्लावा, कितना बार भी कह कि हम गुनहगार बानी, लेकिन हम गुनहगार ना बानी, हमरा पे इल्जाम लगावल बंद कर। अगर तेरा इतना डर लागेला अक्षय के खून करे से पहले सोच हम अक्षय के खून ना कहीं नहीं। तू ना कहलू तो कैसे मरल? हमके कैसे पता कि वो कैसे मरल? जे पैदा होखेला वो मरेला ना, अरे काम ठेका लेके रख ले बनी। और प्रीता, हम तेरा आखिरी बार वार्न कर रहल बनी, जे कर रहल बाड़ू ना वो मत कर, जहां बाड़ू उहे रुक जा, उहे रुक जाए ताकि तोहार सच कबो केहू के सामने आए ही ना। तोरा डर यही बात के बाना कि हम जाके सब कुछ बोल दे तो लूथरा फैमिली के सामने तोहारी गंदा असली चेहरा सामने आ जाए। ऐसन कुछ ना होगी। ऐसन होई और आज ही होई, अभी होई। झूठ के कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहला वो सच ना हो जाला। तोहरा के आज सजा मिले से क्यों ना रोक सकेला। एक बात याद रखियो प्रीता, तू जे भी कर रहल बाड़ू ना, एकर कीमत तहरा चुकाए के पड़ी। भाभी कोर्ट की हेयरिंग शुरू कहला बा, चली। हाँ काबिल भाभी। कुछ ना करण, करण पुत्र तू ही बिल्कुल मत सोचिया कि ऋषभ का सोची, जब ओके पता चले कि ऐजा का सब हो रहा ला। प्रीता कोर्ट में जे कुछ कहले हो गुनाह शर्लिन कहले बाड़ी, बात कुछ समझ में ना आये, लेकिन इतना हम जाने नहीं कि प्रीता कोशिश कर रहा बाड़ी कि तू कोनो भी तरह रिहा हो जा। आपका लगत बा प्रीता झूठ बोलत बिया? ना ये बात तू और हम अच्छा से जाने नहीं कि प्रीता कबो झूठ बोल ही ना सकेली, वैसा लेकी बाड़ी ही ना। प्रीता जे भी कहली पता ना हो सच है या झूठा, लेकिन हम इतना जरूर जाने नहीं कि प्रीता अपन जगह पे बिल्कुल ठीक बाड़ी। प्रीता के पूरा विश्वास है कि तू ही गुनाह ना कैला, और प्रीता के साथ साथ हमने सब के पूरा विश्वास है कि तू अक्षय के खून ना कर सकेला, कबो ना कर सकेला। और रहल बात शर्लिन के, ता अब तक ता साबित ना भइल ना कि शर्लिन ही गुनाह कैले बाड़ी, लेकिन करण एगो बात कही, शर्लिनी घर के बड़ बहू बाड़ी, अगर ही साबित हो गेल कि शर्लिन ही गुनाह कैले बाड़ी ता ये हमने के परिवार खातिर बहुत दुख के बात होगी। और रहल बात हमार, हम शर्लिन के जिंदगी में कबो माफ ना करब। हाँ माँ। करण अंदर चला, कोर्ट के सुनवाई शुरू होता। हम जात बने, हमके पूरा भरोसा कि तू रिहा होके आ जाएगा। जा पुत्र। हे भगवान, जे भी हो सही हो, हमार परिवार के बच्चा ली, हमार परिवार के बच्चा ली। पृथ्वी सुन, पृथ्वी
तो क्या हमारी मदद करके होगी? हम बहुत बुरा तरीके से फंस जाए, हम जेल। हाँ थोड़ा मार, पागल हो गली बड़ू का। पब्लिक प्लेस बा, अगर केहू देख लेलस तो कितना बड़ा मुसीबत में फंस जाए तो के पता बना, फिर हम तोहरा का खुद के भी ना बचा पाए। तू मुसीबत में फंस जाएगा और ई वक्त भी तहके तहार पड़ल बा। अरे डरल छोड़ा, हमरा बारे में सोचा, अगर हम फंस गए नहीं, अगर हम जेल चल गए नहीं, तो हमार का होगी, हमनी के बच्चा की का होगी? तोरा का लगा था, हां का लगा था तोके कि हम तोरे बारे में नहीं की सोचत? ऐसे तू सोच भी कैसे सकेलू? हां यहां खड़ा खड़ा तोरे बारे में सोचत रहनी, यह सोचत रहनी कि तोके कैसे बचाई, तोके ई मुसीबत से कैसे बाहर निकाली, पर कुछ समझ में नहीं आवत। तोहार गलती बा, सारा गलती तोहार बा। हम हजार बार ना, लाख बार ना, करोड़ों बार तो उसे कहले रहनी कि अपना आपके ओवर स्मार्ट मत समझा, ओवर कॉन्फिडेंट मत बना, दूसरा के अंडर स्मिट मत करा, अपना आपके तुरम खान मत समझा। पर ना तू तो हमेशा ये सोचेलू, हम तो उहे करब जो हमके करे कबा, हम तो उड़ब, देख लू अब गिर गयलू ना, ऐसन गिरलू कि अब उठ ही ना पाइबू। तू जानत भी बाड़ू मामला कितना सीरियस बा, मामला कोर्ट में बा, इतना देर हो चुकल बा कि हमके हमके लगा था हम भी तुहार मदद ना कर पाई। तू भी हमार मदद ना कर पाइबा? तो के समझ आ रहा बा, तू का बोल रहा बाड़ा? हम आज तक जे कुछ कहले बानी सिर्फ तेरे खातिर कहले बानी। अक्षय गलती से मर, लेकिन अच्छा भला वो मर गए, अगर वो वीडियो वो लिथराज के दिखा देता हम तो घर से भाग जाती, तहार का होत? हाँ अगर उनके पता चल जात कि ये बच्चा तहार बा, तो फिर का होत तहार? हम जे कुछ कर रहा बानी सिर्फ और सिर्फ तेरे खातिर कर रहा बानी, तार बदला पूरा करे खातिर कर रहा बानी, और तू बोल रहा बाड़ा कि तू हमार मदद ना कर सकेला? अरे ये लोग से डरल छोड़ा, हमरे बारे में सोचा। सुना उप्रीता ही बिया जे हमके पैसा ले बिया, वो ही बिया जे हमके जेल पहुंचा सकेली, वो हमरे पीछे हाथ धो के पड़ल बिया, और कहीं ना कहीं ओकरा शक बा कि हमनी दोनों के रिश्ता बा। पृथ्वी जी कवन रिश्ता के बात करत आड़ी? हम कुछ पूछ रहल बानी पृथ्वी जी, कवन रिश्ता? हमनी के रिश्ता, सरलिन जी हमनी के रिश्ता के बारे में बात करत रही। सरलिन जी ई कहत रहली कि प्रीता जी हम दोनों के रिश्ता के खिलाफ बाड़ी, जो उनकी गलत बात, और सरलिन जी ई कहत बाड़ी कि हमके कुछ करे के चाहिए। हम दोनों के रिश्ता के खिलाफ जीवन भी आई, काहे आई, का वजह बा? पर हम सरलिन जी से साफ साफ कह देनी कि हम कुछ ना कर पाई, हम कुछ ना कर सकेनी, हम प्रीता जी के अगेंस्ट ना जा पाई। आप हमरा साथे चलिए, पृथ्वी जी। देखी जौन बात पे आपके कंट्रोल नहीं खेना ओकरा खातिर आप कुछ ना कर सके नहीं, तब काहे इतना स्ट्रेस लेता? एक बात बोली कृति, हमके सरलिन जी खातिर बहुत बुरा लगता है, देखा ना बेचारी कितना परेशान बड़ी, पर कोनो बात नहीं के, कोर्ट के सुनवाई बा ना, का सच बा का झूठ बा आज सबके सामने आ जाई बाना। बाकी हम आपसे एको बात कहीं पृथ्वी जी, शर्लिन पे ट्रस्ट कैल बंद कर दी, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करी नहीं आप। चली यह अदालत पुलिस के प्रीता लूथरा के दिहल जानकारी के रिकन्फर्म करे के कहले रहा, कुछ सुराग मिलल आपके? जज साहब, प्रीता लूथरा जॉन वीडियो अदालत के सामने पेश करले रहली, शर्लिन लूथरा के होटल जाके अक्षय से कई बार मिले के, हमने के होटल से कन्फर्म करले बनी वो वीडियो फुटेज सही बा। जज साहब, जब हमके गुनहगार साबित ही किया जा रहा बा, तो हमके भी पूरा हक बा अपना आपके इनोसेंट प्रूफ करे के, तो का हम कोर्ट के सामने कुछ बोल सके नहीं? इजाजत बा,
हेलो, वो एडिटेड वीडियो अगर आज हम कोर्ट में ना दिखाई नहीं तो हम के सजा हो जाए और हम जेल चल जाए। ठीक बा, थैंक्स अलॉट, जल्दी भेज दिया। लेकिन जज साहब, हमारे पास कोनो लॉयर नहीं थे तो कहा हम सरकारी लॉयर से रिक्वेस्ट कर सके कि वो हमारे केस लड़े, प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मिलार्ड, आज तक जोन कोनो केस में ना भयलो की वो आज हम आपके दिखावे वाला बनी। शर्लिन कोनो वीडियो अरेंज करत बड़ी, तब तक हम मेघा से कुछ सवाल पूछे के इजाजत चाहत बनी। इजाजत बा। मिस मेघा, प्लीज आप विटनेस बॉक्स में आई। हम जे भी कहब सच कहब, सच के सिवा कुछ न कहब। का आप शर्लिन लूथरा से वो होटल में मिलल रहनी जॉन होटल में अक्षय के खून भइल रहे? हाँ, मिलल रहनी। तब बात साफ बा मिलॉर्ड, जब वेटर रोहत शर्लिन के होटल में देखलस तो शर्लिन अक्षय से ना बल्कि मेघा से मिले गई। तो फिर अक्षय शर्लिन के प्रेगनेंसी खातिर ब्लैकमेल काहे करत रहे? ऑब्वियसली ये अक्षय से ही मिले गई रहली। यहाँ कोर्ट में ही झूठ बोल रहल बिया कि मेघा से मिले गई रहली। देखो शर्लिन, तू जैसन कहलू हम ठीक वैसन कहनी, लेकिन हमके एक बात अब तक समझ में ना आई, तुमके यह होटल में और यह कमरा में काहे बुलाइलू जहाँ अक्षय के खून भाई न? जज साहब, हम शर्लिन से मिले न गल रहनी, बल्कि शर्लिन हमके कहले रहली वह होटल रूम में आके मिले जहाँ पर अक्षय के खून भल रहे। जज साहब, मिस्टर संदीप, आप बात के बहुत घुमा फिरा के पूछा था नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बा। आप अदालत के साफ साफ बताई कि का शर्लिन लूथरा मेघा से अक्षय के खून होकला से पहले मिले रहली? शर्लिन और होटल में मेघा से अक्षय के खून होला के बाद मिलल रहल। कंफ्यूज हम ना, कंफ्यूज वेटर रोहित भइल बा। हाँ, टकराइल रहल वो होटल में शर्लिन से, लेकिन जौन रात अक्षय के खून भइल वो रात के बाद। आप चाहे तो होटल में इंक्वायरी करके पता कर सके नहीं, अक्षय के खून के दो दिन बाद वो अपन पिता के अंतिम संस्कार खातिर चल गिल रहल। इंस्पेक्टर, आप ही जानकारी होटल में जाके ले सके नहीं? यस सर। जल्दी से पता करा वेटर रोहित अपना पिता के अंतिम संस्कार खातिर कब गिल रहे, और इस तरह हमके पता चल जात कि रोहित कौन दिन अपन पिता के अंतिम संस्कार खातिर गैल रहे। केहू हमार मदद करे या ना करे, हम खुद अपन मदद कर ले। सब कुछ वैसे ही हो रहल बा जैसे हम चाहत रहनी। आज हम अपना आपके बचा लेब और एकरा बाद हम पृथ्वी और मायरा के ना छोड़ब। जज साहब, एडवोकेट संदीप सर के बात सही बा। अक्षय के खून के ठीक दो दिन बाद वेटर रोहित अपन गांव चल गए रहे अपन पिता के अंतिम संस्कार खातिर।